बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डीएलएड से संबंधित बहुत अच्छी खबर आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो डीएलएड के प्रशिक्षु भाई ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि एग्ज़ाम डेट का अनुमान लगा लिया गया है कि कब तक एग्ज़ाम होगा और प्राधिकारी सचिव के माध्यम से सरकार को क्या एग्ज़ाम डेट उनके ज़रिए भेजी गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि कुछ हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो इस आस में लगाए बैठे हैं कि उनका बैक पेपर भी प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। और जो उसके बाद जो वर्तमान वाले में 2019 बैच है उनका बैक पेपर की स्थिति क्या है और प्रमोट का मुद्दा क्या है ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। देखिए डीएलएड 2018 या फिर इसके अलावा अन्य बैच जो हैं जिनके प्रशिक्षु भाई बहनों का बैक लगा हुआ है या फिर सेमेस्टर बैक हो गया है तो हमारे प्राधिकारी सचिव जो नए आए हैं उनके माध्यम से सितंबर माह आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। डीएलएड के जो प्रशिक्षु भाई हैं उनके लिए सितंबर माह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला इसलिए क्योंकि उस माह में आपका चारों सेमेस्टर का आपका बैक पेपर कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में, ठीक है। आप जानते हैं जब भी पेपर होता है डीएलएड का वो सबसे लास्ट वीक में जाता है, तीसरे या चौथी वीक में या फिर दूसरी वीक में एग्ज़ाम आपका होता है, पहली वीक में तो मुश्किल है। सितंबर माह आपके लिए है, ये मान के चलिए कि टाइम अब बहुत कम भी बचा हुआ है। डीएलएड 2019 बैच का जो प्रमोट होना था तीसरा सेमेस्टर वो सरकार के पास उसके पीएनपी के द्वारा भेजा गया है कि प्रमोट किया जाए। अब सरकार की जो मंशा होगी वो आपके सामने आएगी, लेकिन अगर नहीं कराती तब की बात करूं तो सितंबर माह अगर प्रमोट नहीं करती है तो सितंबर माह में डीएलएड 2019 बैच का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और सितंबर माह में ही आपके चारों सेमेस्टर के किसी भी प्रशिक्षु का बैक लगा है उसका एग्ज़ाम सितंबर माह में ही करा लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चारों सेमेस्टरों का जो बैक है आपका वो करा लिया जाएगा, ठीक है। और सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके उसी में देखने को मिलेंगे सितंबर माह में। देखिए कोरोना की तीसरी लहर ये डिपेंड करेगी कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन प्राधिकारी सचिव के द्वारा जीके द्वारा ये बिल्कुल कन्फर्म है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, कोरोना की तीसरी लहर अगर हावी रहती है तो फिर से पोस्टपोन होना है और वर्तमान स्थिति में अगस्त क्रांति अगर सफल होती है तो आपको शिक्षक भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इसलिए जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु भाई हैं फोर्थ सेमेस्टर उनका है तो भाई प्लीज़ सोशल मीडिया पे हर जगह नई शिक्षक भर्ती की मांग ज़रूर कीजिए, अन्यथा 2-3 साल तक बस्ता लेकर बैठ जाइए, शिक्षक भर्ती आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसका सपोर्ट भी करिए और डीएलएड के बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर होने के बाद आपका बैक क्लियर होने के बाद तुरंत आप शिक्षक भर्ती देखें तो इसके लिए तुरंत सपोर्ट करें शिक्षक भर्ती की, ठीक है। कई लोग हैं कि 69,000 में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कि 69,000 में 22,000 जोड़ी जाए, ये व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि नई शिक्षक भर्ती की वो मांग करें, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट में राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।